सपने जो अधूरे हम उन्हें पूरा करेंगे। तेरी नजर झुके तो शाम ले। तो नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल के एक और स्पेशल वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत ही शानदार रिकॉर्डिंग मशीन दिखाने वाला हूँ, जो कि दोस्तों कैसेट से कैसेट रिकॉर्ड भी करेगी, लेकिन दोस्तों इसके साथ एक बहुत ही प्यारा मिलेगा आपको एम्पलीफायर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते थे कि कोई एम्पलीफायर वाला रिकॉर्डिंग मशीन ला के दीजिए। तो आज के वीडियो एंड तक देखना, हो सकता है आपकी तलाश इस वीडियो पर पूरी हो जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही प्यारा इसमें एक एम्पलीफायर दिखाने वाला हूं, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही जबरदस्त है। उसके साथ अटैच है दोस्तों एक रिकॉर्डिंग मशीन, जो कि दोस्तों डबल मैकेनिज्म में है, गोल्डन मैकेनिज्म है, कैसेट से कैसेट भरती है और दोस्तों फास्ट में भी भरती है और नॉर्मल स्पीड में भी भरती है। जी हाँ दोस्तों, यदि ये मशीन आपको पसंद आए और आप इसको खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर जो दिख रहा है उस पर आप बड़ी ही आसानी से कॉन्टैक्ट कर इसको खरीद सकते हैं। बहुत ही पावरफुल मशीन है, वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि इसकी टेस्टिंग इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और कैसेट से कैसेट भी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, जिससे आपकी पुरानी भूली बिसरी यादें जरूर ही ताजा हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं एम्पलीफायर विथ रिकॉर्डिंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है और जिस बॉडी पर यह बनाया गया है दोस्तों, ये बॉडी बहुत ही मजबूत है, बहुत ही पावरफुल है, इसमें कभी भी जंग नहीं लगती। न्यू तो नहीं है दोस्तों, है तो ओल्ड लेकिन वर्किंग कंडीशन में है और बहुत ही प्यारी आवाज़ है। सबसे पहले आप इंटरफेस देख सकते हैं, ये नीचे है जो एम्पलीफायर है, ये रिकॉर्डिंग मशीन है, ये रिकॉर्डिंग मशीन इससे कनेक्ट है तभी ये रिकॉर्डिंग कर पाती है। विदाउट एम्पलीफायर इसका कोई मतलब नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो मैं दूंगा। मेरे पास एक मशीन और थी जो कि विदाउट एम्पलीफायर भी रिकॉर्डिंग करती थी, लेकिन इसमें एम्पलीफायर अटैच करना पड़ता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं दो मैकेनिज्म, ये देख लीजिए दो मैकेनिज्म यहाँ पर डले हुए हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें हमको क्या क्या मिलता है, यहाँ पर दो हमको लेवल मिलते हैं जो कि बहुत ही प्यारे होते हैं, जिससे हम अपनी रिकॉर्डिंग के लेवल सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमको दो टैप मिल जाते हैं, एक टैप इस मैकेनिज्म के लिए, दूसरा टैप उस मैकेनिज्म के लिए। ऑक्स मिल जाता है, माइक मिल जाता है, पावर ऑन मिल जाता है और टी एंड सी मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, रिकॉर्डिंग में मान के चलिए आप एक्स्ट्रा झनकार या एक्स्ट्रा धमक बढ़ाना चाहते हैं तो इसको दबाकर हम इसमें एक्स्ट्रा झनकार एक्स्ट्रा धमक भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको रिकॉर्डिंग लेवल मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको फास्टर मिल जाता है, मतलब रिकॉर्डिंग को हम फास्टर से भी प्ले कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नीचे एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर में आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर एलईडी लाइट है, पावर बटन है, यहाँ पर दोस्तों बैलेंस है, बेस है, ट्रबल है और दोस्तों यहाँ पर लाउडनेस मिल जाता है, मेटल मिल जाता है, माइक मिल जाता है, रिकॉर्डिंग मिल जाता है, बहुत कुछ फंक्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमको यूएसबी मतलब पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है, माइक लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोस्तों इसके साथ एक रिमोट भी आया हुआ है और यहाँ पर बहुत ही शानदार एलईडी व्यू मीटर टाइप की लाइट दी हुई है, जो कि प्ले होती है जब आप देखना, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्किंग करती है। चलिए बैक साइड दिखाता हूँ और इससे फिर मैं रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों बहुत ही भारी है, देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसमें स्क्रैच लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको सीडी का ऑप्शन मिल जाता है, ऑक्स का मिल जाता है और लाइन आउट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने लाइन आउट इसमें कनेक्ट कर ली अपने एम्पलीफायर में और ये इस प्रकार का ये है। दोस्तों यदि हम एम्पलीफायर की बात करें तो ये बहुत ही मजबूत होता है दोस्तों, इसमें बहुत ही ज़्यादा वेट है और वेट की बात करूँ तो दोस्तों 5 से 7 किलो के लगभग इसमें वेट है। और यदि हम इसकी बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 स्पीकर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है और ये ट्रांजिस्टर सेट है, इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि 30-55 है। यहाँ पर हमको मिल जाता है लाइन आउट का ऑप्शन, सीडी का ऑप्शन और ऑक्स का ऑप्शन, आप देख सकते हैं, आपका शायद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ओल्ड है लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छी कंडीशन में। तो चलिए दोस्तों इस एम्पलीफायर को भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, कवर खोल के दिखाता हूँ कि इसमें आखिर किस प्रकार का यूज किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये एम्पलीफायर है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये एम्पलीफायर का अंदर का पूरा पोर्शन है, इसमें कौन कौन सा क्या क्या डला हुआ है आप सामने देख सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छी कंडीशन है और दोस्तों बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर है ये। तो चलिए इसका कवर लगाते हैं और इसके हम रिकॉर्डिंग करते हैं और आवाज़ भी सुनते हैं।
तो फाइनली दोस्तों मैंने इसको कर लिया है सेटअप और खोलकर भी आपको दिखा दिया है, एक एक चीज़ से आपको वाकिफ करा दिया है। चलिए कोई कैसेट लगाता हूँ और इसकी थोड़ी आपको आवाज़ भी सुनाता हूँ कि आखिरकार इसकी आवाज़ है कैसी, थोड़ी देर पहले करूँगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ब्लैंक कैसेट जो कि मैं इसमें कैसेट में लगा रहा हूँ इस वाले पोर्शन में, और इसमें लगा रहा हूँ दोस्तों मैं एक लगभग चुनाव प्रचार की कैसेट है वो लगा रहा हूँ। चलिए इसकी आवाज़ सुनते हैं और फिर हम इसको इस आवाज़ को उस ब्लैंक कैसेट में डब करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर आपको अंदाज़ा लगेगा कितनी प्यारी आवाज़। चलिए पहले प्ले करते हैं। तो प्ले फाइनली होने लगी है। अभी हम रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमको रिकॉर्डिंग और प्ले बटन को एक साथ दबाना पड़ता है, मतलब पॉज करना पड़ता है। चलिए मैं दबाता हूँ, ये दबा दिए मैंने रिकॉर्डिंग और पॉज, और यहाँ पर इसको कर दिया पॉज। और अब मैं थोड़ा सा लेवल सेट कर लेता हूँ। ये लेवल का ऑप्शन है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो फाइनली दोस्तों लेवल बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहे थे जो कि मैंने चेक किए थे अभी, आपने साहब ने देखा। तो चलिए हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ये कर दी मैंने कैसेट प्ले और यहाँ पर इसको भी कर दिया। फाइनली दोस्तों हमने इसको थोड़ी देर इस गाने को उस ब्लैंक कैसेट में रिकॉर्ड करके देखा है। चलिए थोड़ी सी टेस्टिंग करते हैं और इसको करते हैं प्ले। तो प्ले करने के लिए थोड़ा हम करते हैं रिवाइंड, थोड़ी देर के लिए रिवाइंड कर दिया हमने। अब स्टॉप करते हैं। अभी हमारा टैप वन पर सिलेक्ट था, अभी हम टैप टू सेलेक्ट करेंगे। ये हमने टैप टू सेलेक्ट कर दिया और अब प्ले करेंगे, ठीक है। वाह दोस्तों कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है दोस्तों, बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही, मतलब रिकॉर्डिंग में इतनी अच्छी आवाज़ इससे रिकॉर्ड हुई है। चलिए और सुनाता हूँ आपको। लेवल बहुत अच्छी आ रहा है, लेवल भी दोस्तों बहुत ही सही आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं दोनों लगभग। फाइनली दोस्तों आपने देखा बहुत ही अच्छी तरीके से इससे रिकॉर्डिंग भी होती है। चलिए थोड़ा सा फास्ट रिकॉर्डिंग और करके दिखाऊं, क्योंकि अभी भी दोस्तों हमने बिल्कुल नॉर्मल जो स्पीड होती है उस स्पीड में रिकॉर्डिंग करके देखी है, अब हम फास्ट स्पीड में रिकॉर्डिंग करके देखेंगे। तो चलिए इसको प्ले करता हूँ मैं और टैप वन सिलेक्ट करता हूँ, इसको प्ले करता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा करते हैं फॉरवर्ड, चलिए और करते हैं दोस्तों। इसका ये गाना अभी हम फास्ट में उस ब्लैंक कैसेट में भरेंगे। तो ये मैंने प्ले कर दिया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलिए इसको भी प्ले कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों फास्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों हमने फास्ट में इसमें अभी रिकॉर्डिंग करके देखी है। चलिए इसको भी हम सुनते हैं, सुनने के लिए थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। रिमाइंड करने के बाद हम टैप टू सेलेक्ट करते हैं और प्ले करते हैं।
तो फाइनली दोस्तों आपने देखा इसकी रिकॉर्डिंग का, तो दोस्तों मैं दीवाना हो गया। इतनी प्यारी रिकॉर्डिंग करता है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो बॉक्स हैं इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इसने वाकई में बहुत ही मेरा दिल खुश कर दिया रिकॉर्डिंग के मामले में। कैसी भी कैसे तो आप देख सकते हैं कितनी पुरानी कैसेट थी दोस्तों, ये लगभग राजीव गांधी हत्याकांड के बाद की एक कैसेट है। उसके बाद इसने बहुत ही प्यारी आवाज़ में रिकॉर्डिंग की है, आवाज़ आप सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारी बेस आ रही है, बहुत ही प्यारी ट्रिबल आ रही है। एक्स्ट्रा बेस ट्रिबल डालने के लिए हम यहाँ पर कर भी डाल सकते हैं। तो यदि आपको लेना चाहते हैं तो एक ही सेट है दोस्तों, जल्दी करना क्योंकि सोल्ड आउट होने में टाइम नहीं लगता है। तो ओल्ड लेकिन रनिंग कंडीशन में बहुत ही पावरफुल है। इसकी जो बॉडी है इसमें दोस्तों कभी भी जंग नहीं लगती, वो वाली बॉडी है, मतलब मेटल टाइप की इसकी बॉडी है। बहुत ही हैवी है, बहुत ही हैवी वेट रिकॉर्डिंग मशीन है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो देखकर ऑडियो कैसेट और म्यूजिक सेंटर वाले दिनों की आपकी पुरानी यादें जरूर ही ताज़ा हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए अभी तक जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं आप किसी ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पुरानी भूली बिसरी यादें ताज़ा करते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।